77वें स्वतंत्रता दिवस पर जिलाधिकारी कृष्णा करूणेश ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया ध्वजारोहण। अधिकारियों व कर्मचारियों को दिलाया कर्तव्य निष्ठा की शपथ। सभी को ईमानदारी पूर्वक कार्य करने की अपील। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा ने किया आयुक्त परिसर में ध्वजारोहण। सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को दिलाया कर्तव्य निष्ठा की शपथ। स्कूली बच्चों को किया सम्मानित। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने विकास भवन परिसर में किया ध्वजारोहण। सभी को दिलाया कर्तव्य और निष्ठा की शपथ। हवा में गुब्बारा छोड़कर स्वतंत्रता दिवस को किया सेलिब्रेट। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा लगाए गए स्टॉल का भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल व सदर सांसद रवि किशन ने किया शुभारंभ। कहा, उद्यमी महिलाओं ने स्टॉल लगाकर समाज के साथ कर रही है देश का विकास। स्वतंत्रता दिवस की भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल व महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने दी शुभकामना। कहा, सभी को आजादी के इतिहास के बारे में चाहिए जानना। स्वतंत्रता दिवस पर SDM सदर नेहा बंधु ने तहसील परिसर में किया ध्वजारोहण। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिलाए कर्तव्य निष्ठा की शपथ। कहा, सभी को देश हित में कार्य करके देश का नाम करना चाहिए रोशन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर किया गया ध्वजारोहण। भारतीय एकता का संकल्प की दिलाई गई शपथ। गोरखपुर पुलिस द्वारा किए गए सराहनीय कार्य योगदान के लिए प्रदान किया गया प्रशस्ति पत्र। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वीरों के वंदन में शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों शहीद जवानों के परिवारजन व सेवानिवृत्त अधिकारीगण कर्मचारीगण के सम्मान में आयोजित हुआ कार्यक्रम अंग वस्त्र व फूल माला पहना कर किया गया सम्मानित। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमण द्वारा देश की स्वतंत्रता की 77वें वर्षगांठ के अवसर पर सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर में आयोजित समारोह में फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज। वीर बलिदानियों की गाथा को याद कर किया गया नमन। वीर बहादुर सिंह PG कॉलेज हरनई महुराव गोरखपुर के प्रांगण में संस्था अध्यक्ष श्री गुलाब सिंह जी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया ध्वजारोहण। गैंग बनाकर लूट व हत्या का अपराध कारित करने वाले गैंग के 3 अपराधियों के विरुद्ध खजनी थाने की पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जान। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जिलाधिकारी कृष्णा करूणेश ने कलेक्ट्रेट परिसर में 77वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया और सभी अधिकारियों को कर्तव्य और निष्ठा की शपथ दिलाया। इस दौरान जिलाधिकारी कृष्णा करूणेश ने कहा कि सभी जनपद वासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामना। इस स्वतंत्रता पर हम सभी संकल्प लें कि अपने कार्यों को ईमानदारी पूर्वक करेंगे और सबका सम्मान करेंगे। इसके साथ ही सभी अधिकारी व कर्मचारी जनपद में जो विकास कार्य चल रहे हैं उसको समय से पूरा करेंगे। इस अवसर पर ADM फाइनेंस राजेश सिंह, ADM सिटी विनीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लूंगा। वर्ग
भाषा और क्षेत्र से संबंधित मतभेदों और विवादों या अन्य राजनीतिक अथवा आर्थिक समस्याओं का समाधान शांति और संवैधानिक तरीके से करूंगा। और खास तौर से उन शहीदों का नमन भी कर रहे हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपनी अभूतपूर्व प्रतिभागिता दिखाई थी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, सर्वप्रथम मैं समस्त जनपद वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज हम अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और बेसिकली आज मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जितने भी जो भी लोग हमारे साथी सब अपना कार्य और सही ढंग से निर्वाह करें और बिना भेदभाव का काम करें, एक दूसरे का सम्मान करें और यही हम लोग भी के लिए संकल्पित हैं। और जनपद में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम लोग टाइमली कम्प्लीट करने के लिए आज हम लोगों ने ये डिसाइड किया है और हम लोग इंश्योर करेंगे कि जनपद में जो भी विकास कार्य में जो भी बाधाएं हैं उसको दूर करें और अच्छे से। धन्यवाद। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सर्फेसेज और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवि एंटरप्राइजेस 64 अखिल भवन, महेवा बंधा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403 8299370240। एक बार पता और सुन ले, जगरवि इंटरप्राइजेज 64 अखिलेश भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। मंडलायुक्त अनिल ढिगरा ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयुक्त परिसर में ध्वजारोहण किया और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाया। इसके साथ ही मंडलायुक्त अनिल ढिगरा ने आयुक्त सभागार में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र और छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी का जश्न सभी को धूमधाम से मनाना चाहिए क्योंकि ये आज़ादी हम लोगों को देश के अमर शहीदों के द्वारा बलिदान देने के बाद मिली थी, इसलिए इस बात को हम लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन अजय सैनी, आरएफसी अनुज मलिक, अपर आयुक्त राम श्रेय, अपर आयुक्त हरिओम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे तब जय गाथा जय।
अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा। मैं आज इस गीत बोलने जा रहा हूँ, गूंज रहा है दुनिया में, गूंज रहा है दुनिया में, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। माननीय मुख्यातिथि, आदरणीय शिक्षक गण और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। 15 अगस्त भारत देश के लिए गर्व सौभाग्य का सम्मान का दिवस है, यह हमारा राष्ट्र पर्व। सबको मेरा प्रणाम तथा स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज से वर्दी पहनने वाले लोग वतन के लिए नौकरी करते हैं। जब मैं वर्दी देखती हूँ, इस पर डटे हुए सितारे और इस पर लिखा हुआ हिंदुस्तान, इस बात का प्रतीक है कि तो साल के 365 दिन इस 15 अगस्त की तिरंगे की आप और ताप बरकरार रहे, इसके लिए आप सभी हिंदुस्तान के कोने कोने में खड़े रहते हैं। जले कश्मीर की वादी तो हम चुप रह नहीं सकते, अराजक हो कोई आदि जिसे लगातार गलतियों की आदत हो, अराजक हो। जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने स्वतंत्रता दिवस पर विकास भवन परिसर में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री सर्वप्रथम विकास भवन पहुंचकर लखनऊ में चल रहे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को प्रसारण के माध्यम से देखा। जब सीएम का कार्यक्रम समाप्त हो गया, तब प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने विकास भवन परिसर में ध्वजारोहण किया और सभी अधिकारियों को कर्तव्य और निष्ठा की शपथ दिलाया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया और सभी देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने हवा में गुब्बारा छोड़कर स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, सीडीओ संजय कुमार मीना, डीएफओ विकास यादव, एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार गौड़, सिटी मजिस्ट्रेट मंगलेश दुबे, पीटी अनिल सिंह, जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा, जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। छोड़िए सर, छोड़िए चले जाएंगे ऊपर, आप भी छोड़ दीजिए सर, गर्व करूंगा, गर्व करूंगी और इसके उत्थान के लिए हमेशा कार्य करता रहूंगा, हमेशा कार्य करती रहूंगी। मैं शपथ लेती हूँ कि देश की एकजुटता, एकता के लिए सदैव प्रयासरत रहूँगा कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करूँगी। मैं शपथ लेती हूँ कि देश के गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों से प्रेरित होकर राष्ट्र की रक्षा सम्मान और प्रगति के लिए समर्पित रहूंगा।
तो आप अपना नाम ले सकते हैं। मैं शपथ लेता हूँ कि विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगी। मैं शपथ लेता हूँ गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। पीछे। मैं शपथ लेती हूँ ये देश संकल्प लेती हूँ कि राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं अखंडता सुरक्षित रखने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए निष्ठापूर्वक। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, दिवस के अवसर पर हम अपने देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को और जनपद वासियों को विशेष रूप से बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। आज के दिन हम अपने तमाम उन वीर सपूतों को याद करते हैं कि जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस देश को आजाद कराया, हमको खुली हवा में सांस लेने के लिए अवसर प्रदान किया। हम अपने तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हैं जिनके अथक प्रयासों के कारण आज हम ये दिन देखने में सफल हुए हैं। आज हम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह को भी नमन करते हैं कि जिन लोगों की कुर्बानियों के कारण विशेष रूप से हमको ये अवसर मिला है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने आखिरी सांस गोरखपुर में ली है और मैं जिस जनपद से आता हूं, जिस क्षेत्र से आता हूं, जहां से मैं विधायक हूं, उस जनपद में पहली सांस पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने ली है। आज मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि जिन हमारे उन वीर सपूतों ने, उन महामानवों ने स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया था, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, आज मैं समझता हूं कि उनकी कुर्बानियों को मैं लगातार प्रतिफलित होता हुआ देखता हूं। आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर कर रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, हमारी दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ा है और हर तरह से
भारत तरक्की के मार्ग पर अग्रसर है। आज हम स्पेस पे चंद्रयान 3 भेजने में सफल हुए हैं। हर तरह से टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो और चाहे लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का क्षेत्र हो, हर तरह से भारत ने एक तरक्की की इबारत दिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में। हम बधाई देना चाहता हूं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि जिनके अथक प्रयासों से, कठिन परिश्रम से और मजबूत इच्छा शक्ति के कारण उत्तर प्रदेश में भी कानून का शासन स्थापित हुआ है। आज हम चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे हर तरीके से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की बात हो, हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़े हैं। आज उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है, ये इसीलिए कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण ही संभव हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं आज के दिन अपने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को कि इन लोगों के कर्तव्य परायणता से लोगों की सोच बदली है, लोगों की मानसिकता बदली है और आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अधिकार के साथ साथ ये जरूर सोचें कि हम जब कर्तव्य करेंगे, एक नागरिक के कर्तव्य जो संविधान की आर्टिकल 51 में दिए हुए हैं, अगर प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो निश्चित रूप से उससे संबंधित लोगों को अपने अधिकार स्वतः मिल जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री रोल मॉडल हैं, हमारे मुख्यमंत्री रोल मॉडल हैं। इन लोगों ने जिस प्रकार से परिश्रम की पराकाष्ठा करके देश और दुनिया के सामने हिंदुस्तान की तस्वीर बदली है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, हम ऐसे लोगों को प्रणाम करते हैं और हम लोगों से अपील करते हैं कि इन लोगों के जो रोल मॉडल है हमारे, इन लोगों का अनुसरण करते हुए आज हमें कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है और हर तरीके से उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान को मजबूत बनाना है और आगे बढ़ाना है और उत्तर प्रदेश को एक नंबर पर और हिंदुस्तान को नंबर एक पर बनाने के लिए हमको प्राणपण से जुटना है। आज के अवसर पर फिर से एक बार हम शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी माटी मेरा देश, ये निश्चित रूप से शहीदों को, अमर शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का एक बहुत बड़ा पर्व है और मैं समझता हूं कि प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक प्रदेशवासी को इसके महत्व को समझना चाहिए, उनकी माटी को नमन करते हुए अपने मस्तक से लगाना चाहिए और हर तरह से जो हमारे केंद्र सरकार ने जो हमारा कार्यक्रम दिया है उसमें सहभागी बनकर उसको परिपूर्ण कराना चाहिए। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, हम सभी को इसके लिए प्रेरित। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल व सदर सांसद रवि किशन ने अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा लगाए गए स्टॉल का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर हम त्यौहार की तरह मना रहे हैं, यही हम लोगों की कल्पना है कि इसके साथ ही गोरखपुर सहित अन्य जनपदों की उद्यमी महिलाओं ने अपना स्टॉल लगाया है जो कि समाज में अपने माध्यम से देश का विकास करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक समय में लोग कहा करते थे कि बहनें सड़क पर नहीं आएंगी और व्यवसाय नहीं करेंगी, लेकिन अब पूरा माहौल बदल गया है। आज की महिलाएं अपने परिवार के साथ मिलकर व्यापार कर रही हैं, इस पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, हमारी टाइमिंग भी सही थी, सही बात, टाइमिंग आ गया।
इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, 15 अगस्त का दिन हम त्योहार की तरह मनाए हैं, यही हम लोग की कल्पना होती है और चारों ओर आप नागरिकों का उत्साह देख सकते हैं। आज न सिर्फ गोरखपुर से बल्कि आसपास से भी वो सारे पारिवारिक लोग जो उद्यमी हैं, जिनके अंदर उद्यमशीलता है, जो समाज में अपने माध्यम से देश के विकास में अपना योगदान करना चाहते हैं, मैं देख रहा हूँ अच्छे खासे हमारे शहरी परिवार के लोग, बड़ी संख्या में बहनें। एक ज़माना था जब लोग कहते थे कि बहनें सड़क पे नहीं आएंगी, बिजनेस नहीं करेंगी, आज देखिए कैसे बदला है ये जीवन। और पूरा ये अकेले नहीं खड़ी हैं, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ परिवार के लोग खड़े हैं इनके साथ, प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये हमारे बदलते हुए भारत की सूरत है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हम देश के आजादी का इतिहास भूल चुके हैं, इन 75 सालों में एक बड़ी पीढ़ी आ गई है जो कि देश की आजादी की लड़ाई के बारे में कुछ जानती नहीं है। इसलिए मेरा नागरिकों से अपील है कि आजादी के बारे में जाने, क्योंकि यदि उन लोगों ने अपना बलिदान देकर आजादी प्राप्त नहीं किया होता तो हम लोग आज भी गुलाम रहते। इसलिए आजादी के इतिहास के बारे में जाने। वही इस अवसर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, हम सभी देशवासी बहुत धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, इस अवसर पे मैं देश के सभी नागरिकों को, विशेष रूप से अपने गोरखपुर के नागरिकों को देश के इस आज़ादी पर्व की शुभकामनाएँ दूंगा और उनसे एक आग्रह करूंगा। हम देश की आज़ादी का इतिहास भूल चुके हैं, इन 75 सालों में एक बड़ी पीढ़ी ऐसी आ गई है जो देश की आज़ादी की लड़ाई में कुछ जानती ही नहीं है और इस नाते उनके मन में कोई कृतज्ञता भाव नहीं होता है। इसलिए मेरा अपने नागरिकों से ये भी आग्रह होगा कि इसका एहसास करें कि ये देश की आज़ादी मिली कैसे है। जिन लोगों ने अपनी आहुति और बलिदान दिया, अगर उन्होंने न किया होता तो हम आज भी परतंत्र होते ना, तो हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, उनके इतिहास को समझें और उनके प्रति आभार प्रकट करें। देखिए, आज अपना देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हम सभी देशवासी अत्यंत हर्षित हैं, उल्लासित हैं और इसके सभी गोरखपुर के साथ साथ सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां और हम अपने गोरखपुर को भी एक अंतर्राष्ट्रीय मुकाम पर ले जाएं, ऐसी शुभकामनाएं मैं देता हूं अपने। एसडीएम सदर नेहा बंधु ने तहसील सदर के परिसर में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान एसडीएम सदर नेहा बंधु ने तहसील के सभी अधिकारियों का कर्मचारियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाया। उन्होंने कहा कि आज़ादी हम लोगों को बहुत कठिनाई से मिली थी, इसलिए हम लोगों ने वीर अमर शहीदों को जरूर जानना चाहिए। हमको उन लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम सभी लोगों को देश हित में ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे देश का नाम रोशन हो। इस अवसर पर तहसीलदार सदर विकास सिंह, नायब तहसीलदार वशिष्ठ वर्मा, अलका सिंह, विकास कुमार, प्रमोद श्रीवास्तव, देवेंद्र यादव, अरविंद पांडे सहित समस्त कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। Yeah.
कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लूंगा। वर्ग भाषा और क्षेत्र से संबंधित मतभेदों और विवादों या अन्य राजनीतिक अथवा आर्थिक समस्याओं का समाधान शांति तथा संवैधानिक तरीके करूंगा। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सर्फेसेज और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवि एंटरप्राइजेस 64 अखिलित भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन ले, जगरवि इंटरप्राइजेज 64 अखिलित भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। विशेष पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा पुलिस लाइन स्थित कटर गार्ड में 77वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर ध्वजारोहण किया गया और सभी देशवासियों को इस राष्ट्रीय पर्व पर शुभकामनाएं और बधाई दी गई। वहीं राष्ट्रीय पर्व के इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाले और अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनको सर्वोच्च बलिदान को याद किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई, पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज अवस्थी, सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी पुलिस लाइन मानुष पारीक, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ रत्नेश सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय एकता का संकल्प की शपथ दिलाई गई और गोरखपुर पुलिस द्वारा किए गए सराहनीय कार्य योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगधि तरंगा तव शुभ नामे जय जय हे जय हे जय 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 हे। संकल्प लेता हूँ कि राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं अखंडता सुरक्षित रखने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा। मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लूंगा। वर्ग भाषा और क्षेत्र से संबंधित मतभेदों और विवादों या अन्य राजनीतिक अथवा आर्थिक समस्याओं का समाधान शांति तथा संवैधानिक तरीके से करूंगा। जय हिंद। प्यारे साथियों, आज हम अपने देश के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में हर्षोल्लास से इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। मैं गोरखपुर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, जनपद गोरखपुर के प्रदेश के और देश के सभी वासियों को इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।
इस बात से हम सभी भली भांति अवगत हैं कि 15 अगस्त 1947 हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। हजारों लाखों वीर बलिदानियों ने देश के कोने कोने में स्वाधीनता संग्राम के लिए जैसे भी पॉसिबल था, जैसे भी संभव था, इस यज्ञ में अपनी आहुति दी है। हजारों लाखों वीर बलिदानियों ने भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और सर्वोच्च बलिदान दिया। वीर माओं ने अपने बेटों को इस स्वाधीनता संग्राम के यज्ञ में देश के लिए लड़ने के लिए, देश के ऊपर निछावर होने के लिए हंसी हंसी रुखसत किया। ये उन्हीं सभी का बलिदान है जिस कारण से आज हम खुली हवा में, स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं। गुलामी की उन जंजीरों को भारत माता के वीर सपूतों ने अपने शौर्य और बलिदान से तोड़ा था। आज पुनः वो दिन है जब हम उन सभी को नमन करें, उन सभी की वीर गाथाओं को हमारे बच्चों को पढ़ करके सुनाएं। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे कई वीर बलिदानियों की जीवन गाथाएं हमारे घर में बच्चों को अवश्य पढ़ाई जाए ताकि वो अपने इस गौरवशाली इतिहास के ऊपर गर्व कर सकें और उनके दिखाए रास्ते के ऊपर चल सके। जहां आज हम स्वतंत्रता संग्राम के उन वीर बलिदानियों को याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, आज ये भी अवसर है कि हम लोग उनके दिखाए हुए रास्ते पर, जैसे भारत का सपना उन लोगों ने देखा था, उनके दिखाए हुए सपनों पर, उनके दिखाए हुए राह पर चलें। इस देश का प्रत्येक नागरिक जब टीम इंडिया के रूप में काम करेगा तो इस देश को पूरी दुनिया में सबसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम सब इस बात को जानते हैं कि किसी भी देश के विकसित होने और आगे बढ़ने के लिए एक सुरक्षित माहौल और सभी नागरिकों की सुरक्षा अत्यंत जरूरी है। सुरक्षित वातावरण में ही सभी नागरिक अपने परिवार के साथ अच्छे से रह सकते हैं और अपने देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा में सुरक्षा बलों के रूप में पुलिस का रोल अति महत्वपूर्ण है और इसलिए आज ये अवसर है कि हम सभी पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी इस बात का संकल्प लें कि देश के प्रत्येक नागरिक और विशेष रूप से ऐसे नागरिक जिनको की हमारी ज्यादा जरूरत है, दिन और रात का कोई भी समय हो 24 घंटे में, जब भी उनको हमारी जरूरत पड़े, जब भी हमें पुकारा जाए, हम अपने आप को उनकी सेवा में, उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें और हमेशा ये दृढ़ संकल्पित रहें कि एक सुरक्षित और सेफ वातावरण, माहौल का सृजन हो जिससे कि देश के सभी नागरिक तरक्की कर सकें, इस देश को विश्वगुरु बनाने में अपना योगदान दे सकें। मैं पुनः उन वीर बलिदानियों को नमन करते हुए
स्वाधीनता संग्राम में अपना योगदान देने वाले भारत माता के वीर सपूतों को याद करते हुए आप सभी को पुनः इस राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। इस संबंध में गौरव पुन्नी संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, इस राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में मैं सभी गोरखपुर वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और दुनिया में जहाँ जहाँ भारतीय बसते हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज का ये दिन उन वीर सपूतों को, उन महान बलिदानियों को नमन करने, याद करने और उनकी गाथाओं को अपने बच्चों और सबको सुनाने का दिन है, जिनकी वजह से आज हम इस आज़ाद हवा में, इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। उनके द्वारा दी गए अपने सर्वोच्च बलिदान के कारण ही आज हम इस स्वतंत्र भारत में आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी देशवासियों से आह्वान करता हूं कि भारत की इस प्रगति यात्रा में आने वाले दिनों में विश्व में भारत सबसे आगे हो, इसके लिए अपना योगदान दें और भारतीय होने पर गर्व करते हुए उन वीर बलिदानियों को सदैव नमन। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंगलवार को पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार कक्ष में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वीरों के वंदन में शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीद जवानों के परिवारजन व सेवानिवृत्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण के परिवारों से मुलाकात की गई और अंग वस्त्र व फूलमाला पहनाकर परिवारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज अवस्थी, सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकार पुलिस लाइन मानुष पारिक, क्षेत्राधिकारी कैंट योगेंद्र सिंह और प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गौरवपुन्नी संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जैसा कि सब हम सब अवगत हैं कि जनपद गोरखपुर की धरती हमेशा से ही वीर बलिदानियों की धरती रही है और स्वतंत्रता संग्राम में भी यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने प्राणों की आहुति दी। आज स्वतंत्रता दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर जनपद गोरखपुर के विभिन्न क्षेत्रों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अपने देश के लिए शहीद हुए महान सपूतों के परिवारों को यहाँ पर पुलिस लाइन सभागार में आमंत्रित किया गया, उनको सम्मानित किया गया है। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, गोरखपुर पुलिस की तरफ से इन सभी परिवारों को वंदन करता हूं, उन वीर बलिदानियों को नमन करता हूं और उनसे आशा करता हूं कि वीर बलिदानियों द्वारा उनकी गाथाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरित होकर अपने देश की प्रगति में अपना पूर्ण योगदान दे सके। धन्यवाद। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290, कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्र वीर रमण द्वारा देश की स्वतंत्रता की वर्षगांठ के अवसर पर सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल के जवानों, नागरिक सुरक्षा संगठन और स्काउट गाइड के सदस्यों और रेलवे विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा आयोजित परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक रमण ने रेल कर्मियों, उनके परिवार के सदस्यों, रेल उपयोगकर्ताओं एवं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी एवं शुभकामनाएं दी और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना
सब कुछ न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों एवं देशभक्तों को नमन किया। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाकर देश में राष्ट्र प्रेम को जागृत किया जा रहा है। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले राष्ट्रीय ध्वज को पूर्वोत्तर रेलवे के 29 स्टेशनों पर 100 फीट ऊंचे स्तंभों पर फहराया गया है। उन्होंने कहा कि आप सभी के प्रयासों से पूर्वोत्तर रेलवे निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा, जो भारत सरकार के नया भारत के विजन के अनुरूप भारतीय रेल को आगे बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान देगा। इस अवसर पर सेवानिवृत्त वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी लेखा श्री SI विक्टर कार्यालय अधीक्षक रामराव को सम्मानित किया गया। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस समारोह पर सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम से सीधा प्रसारण YouTube के माध्यम से किया गया। जनरल स्लॉट लंबे
दिवस के सहकर्मी बस कार्ड के अवसर पर रेल कर्मियों, उनके परिवार के सदस्यों, सम्मानित रेल उपयोगकर्ताओं, प्रेस एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण तथा आम जन को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं देश की स्वतंत्रता हेतु अपना सर्वस्व निष्ठावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों एवं देशभक्तों को नमन करता हूँ। इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं सीमा पर तैनात सेना एवं सुरक्षा बल के जवानों के पराक्रम एवं कर्तव्य निष्ठा की सराहना करता हूँ, जो विषम परिस्थितियों में भी देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्य बनाए रखने में अपना अतुलनीय योगदान दे रहे हैं। स्वतंत्रता की सेवकर्मी पुरस्कार को पूरा देश धूमधाम एवं उत्साहपूर्वक मना रहा है। इस अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाकर देश में राष्ट्र प्रेम को जागृत किया जा रहा है। देश को एक सूत्र में पिरोने वाले राष्ट्रीय ध्वज को पूर्वोत्तर रेलवे के 29 स्टेशनों पर 100 फीट ऊंचे स्तंभों पर फहराया गया है। यह स्वतंत्रता दिवस पूर्वोत्तर रेलवे के लिए अनेक उपलब्धियां लेकर आया है। 7 जुलाई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर रेलवे की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को गोरखपुर से हरी झंडी दिखाई तथा गोरखपुर जंक्शन स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। 6 अगस्त 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पूरे देश में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया गया, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे के 12 स्टेशन जैसे कि कासगंज, फरुखाबाद, लालपुआ, ऐसवार, बादशाह नगर, सीतापुर, बस्ती, देवरिया सदर, बलिया, आजमगढ़, वाराणसी सिटी एवं वाराणसी सम्मिलित है। इस वाराणसी एवं लखनऊ पर अवस्थित 505 स्टेशनों के माध्यम से रेल यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित, आरामदेह एवं शीघ्रगामी यात्रा सुविधा उपलब्ध करा रहा है। यात्री सुविधाओं में विस्तार के साथ हम अपनी कार्य प्रणाली में भी सुधार एवं आधुनिकीकरण की ओर निरंतर अग्रसर हैं। आधारभूत संरचना के विकास के क्षेत्र में इस वर्ष मुक्तिगंज, जौनपुर, गौतम स्थान, माझी, बकुला, सहतवार, डालीगंज, मलोर, साठिया, फरिया, सरिया, पैतपुर, सुरजमऊ, इंदरा, किरारापुर, औडियार, सादार, रामनाथपुर, धूसी का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण पूर्ण कर यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया। इंदरा दोहरी घाट का आमान परिवर्तन एवं विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया गया। इसके साथ ही वाराणसी मंडल का पूरा रेल नेटवर्क ब्रॉडगेज हो गया है। गाजीपुर सिटी कालीघाट के नई लाइन का विद्युतीकरण सहित निर्माण पूरा किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूर्वोत्तर रेलवे के 55 स्टेशनों को पुनर्विकास हेतु चयनित किया गया है। क्षमता विस्तार के क्षेत्र में पूर्वोत्तर रेलवे के सभी ऑपरेशन बड़ी लाइन खंडों का 10% विद्युतीकरण पूर्ण कर लिया गया है। नगर को 54 तथा विद्युत लोको से बिजली को 20 विद्युत लोको अलग से आवंटित किए गए हैं। लखवा जंगल, कन्नौज तथा एंजन टर्मिनल के माध्यम से धन आवंटन एवं टिकट प्रणाली का कार्य किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। इस वर्ष मार्च जुलाई तक 33 स्टेशनों पर जन संबोधन प्रणाली, 50 स्टेशनों पर डिजिटल पॉप लगाए गए हैं और लखनऊ मंडल के 5 स्टेशनों पर 14 अगस्त
ट्रेन लिखते बोर्ड स्थापित किया गया है, जिस पर भारत स्टेशनों पर उपरोगन ब्रिज का निर्माण तथा सूरत स्टेशनों पर इस प्लेटफॉर्म के उन्नीकरण विस्तार का कार्य किया गया। 05113 वीर बहादुर सिंह पीजी कॉलेज हरनई महुराव गोरखपुर के प्रांगण में संस्था अध्यक्ष श्री गुलाब सिंह जी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानाध्यापकों, छात्र छात्राओं, क्षेत्र के नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी और कहा कि देश की उन्नति के लिए इस राष्ट्रीय पर्व पर संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग राष्ट्रीय एकता को बनाए रखें, भाईचारे के साथ विकास कार्य करेंगे। इस अवसर पर संस्था के प्राचार्य डॉक्टर के पी चौरसिया, प्रधानाध्यापक श्री नारायण त्रिपाठी, पुष्पा पांडे, संजय चौरसिया, इंद्रजीत सिंह, अरुण कुमार नायक, शैलेंद्र कुमार, पुष्पा मिश्रा, नसीमा बानो, रूबी पासवान, दुर्गा शंकर शुक्ला, अरुण कुमार सिंह, यूसुफ आजाद, महेश सिंह, विश्वनाथ, राहुल सिंह, अजय सिंह, वसीम खान, छात्र छात्राएं आदि लोग। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गैंग बनाकर लूट व हत्या का अपराध कारित करने वाले गैंग के 3 अपराधियों के विरुद्ध खजनी थाने की पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि लूट जैसी घटना कारित करना व विरोध करने पर हत्या जैसे गंभीर अपराध करने वाले 3 अपराधी सोनू पुत्र गोली, संजय पुत्र मोहन और मंगरू पुत्र नंदनी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इनके द्वारा अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति की जानकारी कर उसकी भी कुर्की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, विगत दिनों थाना क्षेत्र खजनी में एक व्यक्ति की टेम्पो में डेड बॉडी मिली थी। इस सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि वो पड़ोस के ही गांव का रहने वाला व्यक्ति है और टेम्पो उसी का है जो उसकी आजीविका का साधन है। पुलिस ने तत्काल हत्या का अभियोग बनाम अज्ञात दर्ज किया। परंपरागत मुखबिरी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, इन सब के माध्यम से इस घटना का अनावरण हुआ और पता चला कि टेम्पो चालक अपने गांव के करीब पहुंचकर अपने एंड्रॉयड फोन से बात कर रहा था। उसी समय वहां से गुजर रहे एक मोटरसाइकिल पर 3 लोगों ने उसका मोबाइल लूटने की योजना बनाई और मोबाइल लूट लिया तथा इसी गुत्थम गुत्थे में उसको धारदार हथियार से वार किया और उसका टेम्पो सहित उसको ड्राइविंग सीट पर बैठा के सड़क के नीचे खेत में उतार दिया था। अत्यधिक रात भर रक्तस्राव हो जाने से उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना में टेम्पो चालक का लूटा गया मोबाइल बरामद हुआ और उससे इस पूरी घटना का अनावरण हुआ कि यह बेसिकली हत्या नहीं, लूट की गई और उसकी गुत्थम गुत्था में उस टेम्पो चालक की हत्या कर दी गई। तीनों अभियुक्त सोनू, संजय और मंगरू इस हत्या के मामले में लूट और अन्य धाराओं में जेल गए। आज थानाध्यक्ष खजनी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी महोदय द्वय से इनके विरुद्ध गैंग चार्ट का अनुमोदन करा करके गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया है। विवेचना से इनके विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जाएगा। साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी की जाएगी कि इन्होंने अपराध से कौन कौन सी संपत्ति अर्जित की है, उसकी 14(1) गैंगस्टर एक्ट में कुर्की भी कराई जाएगी।